बनाई के सो मैं पी के पास गई अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई जब छब दे तिलक सब छींदे मुझसे नना अच्छा बहुत जल्दी जल्दी दो चार सवाल मैं करता हूँ नेता आजकल कौन से कलर्स इन हैं मैं जितने कलर्स कर रही हूँ सारे अर्दी टोन्स और एमरल्ड्स में हैं ज्यूल टोन्स एंड अर्दी टोन्स ओके और ये ईद पे भी पहने जा सकते हैं जी ईद पे पहने जा सकते हैं बिल्कुल इट ऑल डिपेंड्स आप उसको कैसे बेसिकली डेकोरेट करते हैं और यूज करते हैं एंड यू नो द होल लुक इज ऑन द डिजाइनर हु मेक्स इट एंड द ट्रिमिंग्स वी यूज इन इट सिंपल जोड़ा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितनी मेहनत हुई थी अच्छी लगेगी सो डेफिनेटली माय ड्रेसेस आर अवेलेबल फ्रॉम टुडे द ईद कलेक्शंस आर इन द स्टोर्स वाह तो हमें क्या मिल रहा है आज आई
स्टोर पे आऊंगा तो सही, स्टोर पे आए ना, आज लॉन्च है दो स्टोर्स की। अच्छा रियली? या कहां पे? एक डॉलमन मॉल में है, एफपीएल लाउंज जो लाहौर का है, आई एम स्टॉकिंग देयर, एंड देन देयर इज दिस ईद मेला हैपनिंग एट एलिमेंट पेट खड्डा मार्केट में। ओके, सो या कराची, बोथ कराची, बोथ कराची एंड लाहौर में ऑन द 16th ऑफ ऑगस्ट। लेकिन मुझे आपसे ड्रेसेस तो चाहिए कुछ, एक दो तीन आज नहीं, 2 बजे स्टोर में। अभी कितना टाइम है? अभी टाइम है, अभी 1 घंटा बाकी है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हम लोग जो यहाँ पर आता है कुछ ना कुछ देख ही जाता है। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको, डेफिनेटली मिलेगा जरूर। अच्छा, यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट? हाँ, लेके दिखाओ। नो जरूर। अच्छा रूस, मुझे ये बताइए, आप जब व्हेन यू वर स्टडिंग एंड यू नो सब काम कर रही थी एंड ऑल दैट, तो मुश्किलात आती थी कभी, प्रॉब्लम होती थी? देखिए एक्चुअली मुश्किलात जाहिर, आई थिंक आपने भी अब्रॉड पढ़ाई सबके साथ आई होंगी, एज यूजल जैसे सबके साथ आती हैं ऐसे मेरे साथ आई, लेकिन आई थिंक ब्लेसिंग फॉर माय पेरेंट्स, माय कोलीग्स, मुझे कभी मैंने उनको तारी नहीं किया। अभी लास्ट ईयर मैं बहुत बड़ी डिजीज से बाहर आई हूँ, मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं शायद बचूँ। क्या क्या डिजीज? अब वो ऑन ईयर तो नहीं कह सकते, आई गॉट केमोथेरेपी या समथिंग लाइक दिस। तो मगर उसमें मेरे इन लॉज का बहुत, और मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं लगी। ऑल गोज टू माय पेरेंट्स, ब्लेसिंग माय पेरेंट्स। और माय फादर वाज इन एयरफोर्स, तो यू नो डॉक्टर कर्नल जुबैरी, ऑफकोर्स, तो शी इज माय डॉक्टर, और नाउ माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर इन लॉ, शी इज वेरी काइंड। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो आई थिंक उन लोगों की वजह से बैठी हूँ। कभी मैंने कोई चीज नहीं सोची कि ये काम मैंने सोचा हो और करना है और ना किया हो। पेरेंट्स सबके करते हैं, हस्बैंड्स, मतलब चैलेंजिंग पर्सन्स की बात कर रही हूँ, नॉट ऑल पर्सन्स, ना हस्बैंड्स नहीं करते, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज ने जितना मेरा साथ दिया है ना, शायद ही कोई देता होगा। या वंडरफुल टू हियर, वंडरफुल, सीरियसली वंडरफुल टू हियर। अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ही इज ऑल्सो इन गवर्नमेंट जॉब, कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके 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 okay. और बेटे का नाम क्या है? बेटी का नाम, बेटी का नाम है सैयदा समीमा मंसूर। ओके एंड बेटे का नाम है सैयद इखानुर रहमान जैदी। और दोनों में बड़ा कौन है? बेटी समीमा मंसूर, शी इज इन क्लास 3 इन बीकन हाउस। ओके सैयद इखानुर रहमान जैदी इज इन क्लास 2 इन आल्सो बीकन हाउस। कुछ कहेंगी इन दोनों को, कुछ कहना चाहते हैं? दे आर वेरी लविंग, माई डॉटर इज वेरी लविंग विद मी। मैं मॉर्निंग में आ जाई हूँ, आपको अगर लग रहा है कोई मैचिंग है तो मेरी इट्स गोड्स टू माई डॉटर, शी इज वेरी, यू लुक ब्यूटिफुल, सच में बता रहा हूँ, यू लुक ब्यूटिफुल, थैंक्स टू अल्लाह, माशाल्लाह। एंड एक आपकी आपकी बेटी ने आपको तैयार किया, समीमा ने? जी विद माई सिस्टर इन लॉ। ओके विद योर सिस्टर, व्हाट्स योर सिस्टर इन लॉज नेम, उनका नाम क्या? सैयदा शाहाना नसरीन। शाहाना नसरीन, अच्छा हमारे पास मैंने जानबूझ के ऐसी चीजें रखी हैं जो एक जमाने में हम सब ने मेरे ख्याल में इस्तेमाल की होंगी कभी ना कभी। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड व्हाट? रेड। रेड, ब्लैक एंड रेड, डू वी हैव एनीथिंग ब्लैक? ओके एनीथिंग रेड, एनी रेड, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, ठीक है ठीक है। नहीं आई थिंक वो दे दीजिए मुझे, नहीं वो पीछे, नॉट दैट, दिस इज ऑल्सो नाइस, ये वाला भी अच्छा, ये दे दीजिए। अब तुम्हारा इम्तिहान है, फराज है, बगैर देखे सिर्फ आवाज सुन के ये चूड़ी का साइज बता देते हैं, सच बता रहा हूं मैं फराज भाई, इनकी चूड़ी का साइज क्या है? इनकी सवा दो। सवा दो? आपके सवा नहीं। दो नहीं ना, अब मैं बताता हूँ, मेरी हेल्थ देख के नहीं अंदाजा, ढाई। यस ऑफ कोर्स, लगता है आपने काम किया है साहब। अरे ये मेरे साथ क्या होता है, मैं कोई अच्छी बात करने जा रहा हूँ, मैं आपके प्रैक्टिस हो गई है, मैं करने से यही कर रहा हूँ। क्या चूड़ियाँ बताए हम लोग जाएंगे? नहीं मैं को बहुत अच्छी रीड करने जाता हूँ, वो उल्टा मुझे आ जाती है, मैं तो आपके लिए चूड़ियाँ पसंद कर रहा था। चले कोई बात नहीं, ये ढाई नंबर है? नहीं ढाई नंबर, ये ढाई नंबर, ये तो ब्लैक में दीजिए मुझे, एक ब्लैक में ढाई नंबर दीजिए और ढाई नंबर रेड में दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, इतनी देर हम आपको चूड़ियां देंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है। जी बिल्कुल, ये समय में आपको पहनाएंगे इंशाल्लाह। आप ऑनिया कह दीजिए उनसे, वो शी इज वॉचिंग यू, शी इज वॉचिंग मी राइट नाउ। तो उनके स्कूल आज नहीं खुले?
13 सर. वॉचिंग मी, सबसे पहले तो योर मॉम इज जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल. यस शी इज. और जो तुमने इनको तैयार करवाया है शी लुक्स वंडरफुल. और मैं ये दो सेट्स भेज रहा हूँ चूड़ियों के, ये अपनी मॉम को पहनाने हैं, उसके बाद उसकी उनकी स्नैप लेनी है और हमको भेजना है. बल्कि नाउ डू दिस, अभी तो रमजान चल ही रहे हैं ना, तुम एक शो के अंदर हमारे पास यहाँ पे आओ और यहाँ पर आके अपनी मॉम को पहनाओ. इफ यू आर वॉचिंग मी, कैन वी डू दैट? कैन वी? कर सकते हैं, बुला सकते हैं उनको? यस ऑफ कोर्स. पक्का उरुज? यस ऑफ कोर्स. कोई इशू तो नहीं आपको? नो नो प्रॉब्लम. ऑलराइट. सो समीमा, इफ यू आर वॉचिंग मी, जस्ट कीप इट अप. माशाल्लाह माशाल्लाह. You're in class 3. Just do the best you can. And I think you already are. So, wonderful. Hats off to you. और यहाँ पर आना, फिर इसके बाद आपके लिए भी चूड़ियाँ रखी हैं, मेहंदी भी रखी है. In fact, मैं आप दोनों को खुद मेहंदी लगाऊंगा. हाँ, मुझे मेहंदी लगाने आती है. अब कन्फर्म हो गई बात. क्या? अब कन्फर्म हो गई कौन से स्टॉल है हायर, बता दें प्लीज. देखिए जी, ये तो पता नहीं नौकरी कब चली जाए. कोई ना कोई हुनर होना चाहिए. वो परमानेंट है. एक टेलीफोन कॉलर रुफ्ताज की, लेट्स टेक दैट. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रुफ्ताज, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक साहिल भाई, आपको रमजान करीम मुबारक हो. आपको भी रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो. और मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे मालूम है. और साहिल भाई, आप एक साल से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही. और आज इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती आपको. आप बताइए रुफ्ताज, क्या कहना चाहती हैं? हमारे साथ इतने बहुत अच्छे अच्छे से मेहमान बैठे हैं. डॉक्टर राबिया हैं, ऑफ कोर्स उरूज हैं, हकीम साजिद साहब हैं, निदा हैं. सबको बस रमजान शरीफ मुबारक हो. आप सबको रमजान मुबारक. और मैंने आपने सुबह बताया कि आपको इतना कल जो एक्सीडेंट हुआ और वो सुनकर बहुत दुख हुआ. अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और हम सब आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कोई इशू नहीं. साहिब भाई, ये मुझे प्लीज आपका नंबर चाहिए. फोन नंबर से आपसे बात करना चाहती हूँ एक घंटे पे. अच्छा ओके. आपको मेरा नंबर तो शायद ना मिल पाए लेकिन आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसपे आप मुझसे बात कर सकेंगी, डेफिनेटली बात कर सकेंगी. आई डोंट नो कि आपका क्या इशू है लेकिन आपको डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा पीसीआर के अंदर अगर हम इनको नंबर दे दें. और दूसरी बात यह है कि आपको ईदी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ साहिब भाई, मुझे ईदी चाहिए और जोड़ा भी चाहिए. बस ये जोड़े के लिए आप हकीम साहब के पास जाइए. हकीम साहब जी, बेटी की कॉल है, प्लीज ले लीजिए. सब कुछ चाहिए. चूड़िया मैं दे देता हूँ. आप मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर रेड है लेकिन वो लाइट नहीं है ना, हमारी लाइट नहीं है, देख नहीं पा रही मैं. अच्छा, देख नहीं पा रही हूँ. रेड है, चले ठीक है. मैं और आपका चूड़ियों का साइज क्या है? और साइज तो एक मिनट साइज में मेरी बेटी से बात करिए एक मिनट के लिए. ये लो एक मिनट. किससे बात करूंगा? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हूं. ओके, क्या नाम है आपका? अलिशबा. अलिशबा, वाओ अलिशबा. अलिशबा आप बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच अलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया. आप कितनी बड़ी हैं? आपका रोज प्रोग्राम देखिए, इतना अच्छा लगता है हमें आपका प्रोग्राम. अरे थैंक यू अलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया. कितनी बड़ी हैं आप? साल की. कितने साल की? आठ साल की. वाओ वाओ, हमारे पास ये फराज जो है ये 10 साल के हैं. कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. ओके ओके ओके. आपके घर लाइट नहीं है? ईदी चाहिए. अच्छा, आपको भी ईदी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक ऐसे अंकल की तरफ लेके जा रहा हूँ जो हमेशा ईदी देने में बहुत माहिर है. आइए आइए फोन कीजिए. कोई गुनाह हो गया तो भाई. नहीं बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे अलिशबा, बिल्कुल देंगे बेटा आपको. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाएंगे कहीं नहीं, ऑफकोर्स विल हैव मिस्टर शाहिद फिरोज ज्वाइनिंग अस इन आवर शो. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद.